नमस्कार दोस्तों, आज हम माइंड मिस्टर के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने माइंड मिस्टर के उपयोग को इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम माइंड मैप का निर्माण कैसे कर सकते हैं इसको हिंदी में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि माइंड मिस्टर का उपयोग आप अपने विषय को बहुत अच्छे ढंग से निर्माण करने में कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की बोरियत दूर होगी और वो अपने विषय को बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। तो आइए आज हम माइंड मिस्टर का उपयोग करने से पहले ये जानें कि माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग है क्या और कैसे हम इसका निर्माण अपने विषय को और भी ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइंड मैपिंग है क्या दोस्तों? माइंड मैपिंग एक विजुअल थिंकिंग टूल है जो कि विचार मंथन के लिए एक आदर्श है, जो विचारों की खोज और जानकारियों को आपके सामने एक बहुत ही विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। माइंड मैप एक केंद्रीय अवधारणा या विषय के चारों ओर एक केंद्रीय अवधारणा या विषय से जुड़े कार्यों, शब्दों और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने में एक आरेख है, जो एक गैर रेखीय ग्राफिकल लेआउट का उपयोग करके उपयोगकर्ता को एक केंद्रीय अवधारणा के आसपास एक सहज ज्ञान युक्त रूपरेखा बनाने की अनुमति देता है। दोस्तों, माइंड मैपिंग के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बच्चे को सुस्त होने से बचाती है, ये उसके अंदर बोरियत को दूर करने की क्षमता रखती है और ये एक रचनात्मकता को जगाता है बच्चे के अंदर और कलात्मकता को प्रस्तुत करने का एक नया नजरिया उपलब्ध कराता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, माइंड मैपिंग कुछ ना करने के असहज प्रतिरोध को भी बच्चों के दिमाग से दूर करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि माइंड मैपिंग का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। माइंड मैपिंग का उपयोग हम व्यक्तिगत तौर से या समूह में, यानी एक साथ मिलजुल के एक ही प्लेटफॉर्म पे हम उसका यूज कर सकते हैं, मिलजुल कर एक साथ दूर दूर बैठे हुए उस पे काम कर सकते हैं और ये समस्याओं को सुलझाने का एक बहुत ही सहज उपाय है और ये किसी विशेष विषय की योजना बनाने में भी सहायक है। शोध और जानकारी को टुकड़ों से लेकर पूरे स्रोत तक पहुंचाना भी, उसके लिए भी माइंड मैप एक उपयोगी रूप देता है। जटिल विषयों पर एक एकल प्लेटफॉर्म प्राप्त जानकारी से जानकारी प्रस्तुत करने में भी ये बहुत बहुत सहायक है। ये अपनी रचनात्मकता को जगाने में, लेख लेने में और अध्ययन और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत लाभकारी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि माइंड मैपिंग को हम किस किस साधन से बना सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आप इंग्लिश में गूगल में टाइप करेंगे तो वही वाला टूल माइंड मैपिंग का खुल जाएगा। तो दोस्तों, माइंड मैपिंग बनाने के बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी अपनी सहूलियत के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको माइंड मैपिंग बनाने का सबसे आसान और सबसे उपयोगी तरीके से आपको बताना चाहूंगी कि माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग बहुत ही लाभकारी और बच्चों की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई माइंड मैप, गूगल, एक्स माइंड, फ्री माइंड, माइरो और बहुत सारे। तो अब हम जानेंगे कि माइंड मैपिंग का नमूना, मींस माइंड मैपिंग दिखता कैसे है। दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में आपके पास एक मेन विषय होगा और इसकी शाखाओं में आप उप विषय और उप उप विषय को रख सकते हैं। इसके द्वारा आप एक केंद्रीय मेन विषय से जुड़कर उसके उप विषय को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पे चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसमें अपनी वीडियोस,
अपना ई कंटेंट जो भी आपने बनाया है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी इसमें डाल सकते हैं। और ये माइंड मैपिंग बनाने का आपके पास एक दूसरा नमूना दिखा रही हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माइंड मिस्टर आखिर है क्या और कैसे माइंड मिस्टर की एप्लीकेशन से हम माइंड मैपिंग को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, माइंड मैपिंग एक ऑनलाइन माइंड मैपिंग एप्लीकेशन है जो अपने उपयोगकर्ताओं को अपने विषय को देखने, साझा करने और प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। माइंड मिस्टर को 2007 में माइकल हॉलेफ और टिल वॉलमर द्वारा स्थापित एक सॉफ्टवेयर कंपनी मिस्टर्स लैब द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि अब तक माइंड मिस्टर का उपयोग 7 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा माइंड मैप बनाने में किया गया है। दोस्तों, माइंड मिस्टर मैपिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले www.mindmister.com पर जाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये आपका मेन डैशबोर्ड विंडो होगी जो आपको वहां पे दिखाई देगी। सो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने गूगल क्रोम पे जाना होगा और वहां पे जाकर टाइप करना होगा www.mindmister.com। दोस्तों, अगर आपके पास उसमें पहले से अकाउंट है तो सीधा आप लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो पहले आपको अपना साइन अप करना होगा और एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग को वहां पे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये खुल रहा है माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग। और ये दिखता कैसे है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों, ये मेन डैशबोर्ड है जो कि लॉगिन करने के बाद आपको माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग में दिखाई देगा। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगी कि दोस्तों, अगर आप फ्री वर्जन में, यानी अगर आप पैसे देकर इसको यूज नहीं कर रहे हैं, आप फ्री में इस टूल का यूज करना चाहते हैं, तो एक आईडी से आप 3 माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग बना सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा बनाना चाहेंगे तो आपको उसके लिए इसके पेड वर्जन पे जाना होगा। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि माइंड मैपिंग टूल दिखता कैसे है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इस टूल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहले से बनाया हुआ एक माइंड मैपिंग टूल मेरे पास है। देखिए, ये मैंने डाटा गैदरिंग टूल पे बनाया था और इसमें सभी तरह के टूल्स को एक ही जगह पे एकत्रित करके दिखाया गया है, जिसमें कि आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, आप ई कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, आप फोटोज भी ऐड कर सकते हैं और लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये सब तैयार करने के लिए हमें कैसे करना होगा ये मैं अब आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको अपना एक नया माइंड मैपिंग टूल क्रिएट करना होगा। नया माइंड मैप टूल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस नए टेम्पलेट पे जाना होगा और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा। जब आप इस प्लस टैब पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक नई विंडो में लेके जाएगा। ये आपका एक खाली नया पेज खुलकर आ गया जिसमें कि आप अपना माइंड मैपिंग टूल, अपने टॉपिक को यहाँ पे अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम हिंदी में करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें एक गूगल टूल आता है, उसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे, क्योंकि माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग टूल आपको हिंदी लैंग्वेज सेटिंग्स में नहीं देता है। वहां पे आपको इंग्लिश या पुर्तगाल या चाइनीज लैंग्वेज ही उपलब्ध होगी। तो अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आपको अपने डेस्कटॉप पे हिंदी गूगल टूल में जाकर, वहां पे सेटिंग्स में जाकर गूगल टूल को अपलोड करना होगा और उसके बाद जब आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वो आपको उसका हिंदी वर्जन दिखा देगा, जैसे कि मैं अब आपको बताने जा रही हूं। देखिए, यहां पे मैं टाइप कर रही हूं लर्निंग, तो देखिए ये मुझे हिंदी में दिखा रहा है लर्निंग। अगर मैं यहां पे टाइप करूंगी अधिगम, अधिगम, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी में मुझे अधिगम दिख गया और मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और यहाँ पे हिंदी में अधिगम आ गया। तो ऐसे करके आप एक अपना
मेन कंसेप्ट जिसपे की आप माइंड मैपिंग बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी सब शाखाओं को ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? आप डबल एंटर करेंगे तो इसकी एक उपविषय की ब्रांच खुल जाएगी, बट ये एक शॉर्टकट की है। अगर आपको ये नहीं करना आता तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर की दी गई बार में प्लस पे क्लिक करेंगे और जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे वहां से भी आपका एक उपविषय की शाखा खुल जाएगी। तो दोस्तों, मेरी यहाँ पे एक शाखा खुल गई है। यहाँ पे मैं इसके सब टॉपिक को लिख सकती हूँ, अधिगम के सिद्धांत, के सिद्धांत, जो भी आप टाइप करेंगे दोस्तों वैसा आता जाएगा। तो जो आपने टाइप किया वो यहां पे आ गया। अभी आपका दूसरा उपविषय हो गया। अब आपको अगला उपविषय लिखना है तो दोबारा से प्लस पे क्लिक करेंगे और इसका एक दूसरा उपविषय खुल जाएगा। यहां पे मैं टाइप करूंगी अधिगम के प्रकार। मैं टाइप इंग्लिश में कर रही हूं दोस्तों और ये हिंदी में आ रहा है, तो इसी तरीके से अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो आप इंग्लिश के वर्ड्स को ही टाइप करेंगे। जैसे प्रकार लिखना है तो पी आर ए के ए आर आप लिखेंगे तो इस तरीके से वो आपको हिंदी में बता देगा, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश में टाइप करके हिंदी में लिख सकते हैं। अब अगर आप में उपविषय के साथ और उपविषय को जोड़ना है तो आप इस उपविषय पे क्लिक करेंगे अधिगम के सिद्धांत और ऊपर प्लस टैब पे क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना उपविषय के साथ जो भी उपविषय शाखाएं हैं इसकी और आगे इसको बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने और उपविषय को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे इसी उपविषय पे क्लिक किया, दोबारा से प्लस टैब पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अंतर्दृष्टि, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके साथ और उपविषय को जोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप उपविषयों के साथ और भी बहुत सारे उपविषयों को जोड़ सकते हैं। अब मैं दोबारा से अपने मुख्य विषय पे क्लिक करूंगी और एक दूसरा उपविषय यहाँ पे जोड़ूंगी जिसका नाम है नियम, अधिगम के नियम, तो वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अब आपने एक दूसरा उपविषय ऐड करना हो, जोड़ना हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप जितने भी उपविषयों को जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हो। तो अधिगम के नियम में मुझे अब यहाँ पे और उपविषय जोड़ने हैं, जैसे कि पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव। तो इस तरीके से आप जितने भी उपविषयों को जोड़ना चाहें इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें इसके फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे प्रयास और भूल वाले अपने उपविषय के फॉन्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पे सीधे हाथ पे आप एक पॉपअप विंडो देख रहे हैं। यहाँ पे जब आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें तो आपको बी पे क्लिक करना होगा तो इस तरीके से ये बोल्ड भी हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आपने अपने विषय को, उपविषय को इटैलिक बनाना हो या विषय को इटैलिक बनाना हो तो आप उसी बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसका साइज चेंज हो जाएगा। अब आप अगर इसको अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो आप देखेंगे सेकेंड में यहाँ पे तीन डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है इसमें कलर का, दूसरा है इसमें स्टाइल का, तीसरा है इसमें इसके बैकग्राउंड को चेंज करने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग रंग हम कैसे भर सकते हैं। रंग भरने के दो तरीके हैं, एक तो है कि आप जो ये विषय लिखा है इसके रंग को बदलना चाहते हैं या जो इसके पीछे की बैकग्राउंड है बॉक्स की उसको बदलना चाहते हैं। तो अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको बदलना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का रंग जो है वो बदल सकते हैं। और अगर आप इसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं
तो उसी बॉक्स पे क्लिक कीजिए जिसका आपको बैकग्राउंड बदलना है। तो इस तरीके से हर बॉक्स का आप बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे बदल रही हूँ, इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। आप टेक्स्ट कलर पे जाएंगे और उस तरीके से उसके रंग को अलग अलग तरीके से चेंज कर देंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने स्टाइल चेंज करना हो तो आप सीधा स्टाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो सा भी स्टाइल आप चाहते हैं उस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही स्टाइल आपको दिखाने लग जाएगा। आपको अपने आप से अलग अलग स्टाइल चूज करने की जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका एक उपविषय, आप चाहते हो कि ये मेरा पूरा उपविषय अलग से दिखाई दे, तो आप इस उपविषय पे क्लिक कीजिए और आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लीजिए। कोई भी बैकग्राउंड चूज करने के बाद आप देखेंगे कि वो उसके उपविषय में एक अलग सी एक बाउंड्री दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अलग से एक नया माध्यम से आप इसको अलग कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इस कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, रंग चेंज करना चाहते हैं, या आप बॉर्डर का रंग चेंज करना चाहते हैं, या आप लाइन को डॉटेड बनाना चाहते हैं, या उसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं। सो सब चेंज करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से वो सारा जो उपविषय का पार्ट है, हिस्सा है, वो सारा अलग से दिखाई देने लगेगा और वो चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक स्मॉल डॉट दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो उपविषय के साथ और आपने उपविषय जोड़े हैं वो छुप जाएंगे। मीन्स आप सब एक साथ नहीं दिखाना चाहते तो आप अपने चाइल्ड आइडियाज को, जो कि उपविषय के और भी छोटे उपविषय हैं, आप उनको छुपा सकते हैं और जब उनकी जरूरत हो आप उनको इसी तरीके से क्लिक करके दिखा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके का स्टाइल, कलर और बैकग्राउंड और इस उपविषय को अलग से एक पूरा रंग दे सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसमें स्माइलीज आइकॉन ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इसमें से कोई सा भी अपने टॉपिक के हिसाब से चूज कर लेंगे और जो आप चूज करेंगे देखिए वो यहाँ पे आपको उसी टॉपिक के साथ दिखाई देगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी हम इस फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम एडवांस फीचर में जाएंगे आपको ये चार ऑप्शंस दिखाई देंगी, अपलोड ए न्यू इमेज, यूज वेब इमेज, ड्रॉ इमेज और ब्राउज इमेज फ्रॉम लाइब्रेरी। अगर हम ये तीन ऊपर के तीन पार्ट्स को देखते हैं तो उसके लिए आपको पेड वर्जन में जाना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ ब्राउज इमेज फ्रॉम लाइब्रेरी और यहाँ पे जो फ्री इमेजेस हैं वो 50 इमेजेस यहाँ पे फ्री हैं। इसमें से कोई भी एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके क्लिक कीजिए यूज सिलेक्टेड इमेज और जिस भी इमेज पे आप क्लिक करेंगे वो इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप वीडियोज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे प्रयास और भूल के सिद्धांत में एक वीडियो ऐड करना हो तो यहाँ पे मैं वीडियो में जाऊंगी और यहाँ पे ब्राउज वीडियो में जाऊंगी और अपने टॉपिक से रिलेटेड, प्रयास और भूल के सिद्धांत से रिलेटेड वीडियोस ये वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली सर्च करने लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो आ गई है तो इसमें से मैं कोई भी एक वीडियो जो मेरे कॉन्टेंट के अकॉर्डिंग मुझे सूटेबल लगेगी वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ये अपलोड होने में कुछ समय ले रहा है तो वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी और उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ब्लू टिक पे क्लिक कर दूंगी और क्लिक कर दूंगी यूज सिलेक्टेड वीडियो। तो इस तरीके से जो वीडियो मैंने चूज करी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में के फॉर्म में यहाँ पे जुड़ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो एक पेन बना हुआ है ये इसका बहुत ही उपयोगी पार्ट है। मींस आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, इसको वंडर बिल्ट आइकन बोलते हैं जो कि ऑटोमेटिक फीचर है इस माइंड मैपिंग का। अगर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे और वंडर बिल्ट पे क्लिक करेंगे और एक पर्टिकुलर पार्ट जिसके लिए आपको वीडियो सर्च करना है उस पर क्लिक करेंगे
और इस पेन पे क्लिक करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऑटोमेटिक जो वीडियो है वो सर्च करके वंडरबिल्ट आपको दे देगा, और देखिए वो वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारी वीडियोस इसमें जोड़ सकते हैं अपने विषय के हिसाब से। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको कुछ नोट्स लिखने हो, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो नोट्स, तो आप कैसे लिख सकते हैं। आप यहाँ नोट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ एडवांस में जाएंगे और जो भी नोट्स आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे अधिगम आपके लिए बहुत उपयोगी है, या आप कोई डेफिनेशन देना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसको इटैलिक बना सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे, और कोई लिंक देना चाहते हैं या कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं वो करके आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी देखिए दोस्तों आपने लिखा है वो यहाँ पे लिंक आपको दिखाई देगा। सी, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो मेन हिस्सा होता है उसका नोट्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एक लिंक जोड़ना है, मींस जो भी मटेरियल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप YouTube पे जाएंगे या आप Google पे जाएंगे, जो भी लिंक आप देना चाहें उस टॉपिक से रिलेटेड उसको कॉपी करेंगे, वापिस अपने टॉपिक पे आएंगे, यहाँ पे उस लिंक को आप डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका लिंक जो आपने डाला वो यहाँ पे देखिए, यहाँ अधिगम के नीचे वो लिंक दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारा ई कंटेंट भी आप अपने हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे अगर बहुत अलग अलग तरह की अटैचमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ मटेरियल अपनी फाइल्स में से देना चाहते हैं या ड्रॉप बॉक्स में से या गूगल ड्राइव में से, तो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स के माध्यम से। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो टूल है इसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस टूल को शेयर करते हैं, देखिए नीचे एक शेयर का ऑप्शन है, इसको हम शेयर कैसे कर सकते हैं, या तो आप मेल कर लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं जिसको आपने इनवाइट करना है, ठीक है इनवाइट, और अदरवाइज आप यहाँ पे, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग्स में हम चाहते हैं जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस हैं, कैन एडिट और कैन व्यू। अगर आप कैन एडिट पे क्लिक करते हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ इसमें हिस्सा ले सकते हैं और मिलजुल कर आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप उसको सिर्फ व्यूइंग राइट्स देते हैं तो आप इस पे कैन व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैन एडिट पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे डन करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप एक बहुत ही अच्छा माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दो उपविषयों में आपस में संबंध दिखाना चाहते हैं कि एक ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं या जुड़े हुए हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप टैब पे जाएंगे और जिस उपविषय के साथ लिंक शो करना है वहां पे क्लिक करेंगे, इस रिलेशनशिप टैब पे जाएंगे और इस तरीके से आप उन दो उपविषयों में लिंक शो कर देंगे और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब दोस्तों अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, चेंज कलर पे जाइए, इस तरीके से आप इस लाइन का रंग भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लेबलिंग करना चाहते हैं, मींस आप चाहते हैं कि मेरे को बताना है कि आपस में इनमें क्या रिश्ता है, तो आप इसको लेबल भी कर सकते हैं और इसके में कुछ लिख सकते हैं इस तरीके से। सो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से एक बहुत ही उपयोगी माइंड मैप बना सकते हैं और बच्चों को अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके विषय में रुचि जगा सकते हैं और अपना जो विषय है बहुत ही उपयोगी बना सकते हैं, और एक ही मंच पे अलग अलग जगह पर बैठकर कैसे माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग की सहायता से आप मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभ्यास कीजिए, जितना अभ्यास करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, धन्यवाद।